जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए एक ऐसा जबरदस्त कंटेंट लेकर आ चुके हैं कि अगर आप लोग इस कंटेंट पे काम करते हैं तो भाई पहले ही दिन से आप लोग का रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करते हैं तो भाई कॉपी पेस्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि भाई इस वीडियो के बाद आप लोग के बल्ले बल्ले हैं। क्योंकि दोस्तों जो कंटेंट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ ना, ये कंटेंट भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चलता है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब हिट होता है भाई। एक दो वीडियो आप लोग अगर अपलोड करते हैं अपने चैनल पर तो उतने से ही आपका इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आखिर ये कंटेंट है कौन सा, तो देखिए दोस्तों ये कंटेंट है भाई शॉर्ट वीडियो का। आप लोग सोच रहे होंगे कि शॉर्ट वीडियो पे ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर शॉर्ट वीडियो पे भाई टाइमिंग कम होता है और व्यूज ज़्यादा जाता है, तो लॉन्ग वीडियो पे भाई व्यूज कम होता है टाइमिंग ज़्यादा होता है, मतलब दोनों कवर कर लेता है भाई। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो वाले पैसे ज़्यादा अर्न करते हैं और शॉर्ट वीडियो वाले कम करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में तो आप लोग शॉर्ट वीडियो चलाते होंगे तो मैक्सिमम एक दो सेकंड का भाई क्लिप जो होता है ना, वो रिटर्न चलता है, मतलब दोबारा चलता है, वो भाई ऐड के थ्रू चलता है, वो ऐड है, यही समझ लीजिए ऐड होता है वो, ठीक है। शॉर्ट वीडियो में प्रेजेंट टाइम आप लोग देखते ही होंगे कि मतलब थोड़ा सा चलाएं, उसके बाद थोड़ा सा फिर चला, उसके बाद फिर थोड़ा सा बैक हो गया, फिर दोबारा वही पार्ट चलने लगा, मतलब दो तीन सेकंड का, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अर्न हो रहा है इससे पैसा। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि भाई ऐसे चैनलों से ना कितना ज़्यादा अर्न होता है। सबसे पहले मैं अपने मोबाइल के अंदर अपने यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करने के बाद मैं सर्च वाले क्लिक करूँगा और यहाँ पे रिएक्शन शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्यूज़ दिखा देते 1 करोड़, यहाँ पे देखिए 74 लाख, 1 करोड़ 59 लाख, और देखिए भाई यहाँ पर देखिए 1 महीने में 4.5 करोड़, यहाँ और नीचे देख सकते हैं 2 महीने में 8.5 करोड़, और नीचे दिखाऊँ यहाँ देख सकते हैं 51 करोड़ भाई, 10 महीने में 51 करोड़ भाई। लॉन्ग वीडियो पे तो ज़िंदगी में नहीं जाएगा व्यूज जितना शॉर्ट वीडियो पे व्यूज आता है। यहाँ देखिए 2 महीने में 3.3 करोड़। मैं इन्हीं का चैनल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इनके चैनल पे आ गया हूँ, यहाँ देख सकते हैं महज 125 वीडियो इन्होंने अपलोड किया है, लेकिन 7.5 लाख इनके सब्सक्राइबर है भाई, मतलब 7.5 लाख समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए भाई व्यूज कितना जा रहा है, यहाँ पे मैं इनके शॉर्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ देखिए 13 लाख, 4.5 लाख, 24 लाख, 59 लाख, यहाँ पे देखिए 6.2, मतलब 6 लाख। और यहाँ पे पॉपुलर वीडियो मैं इनके दिखा दूँ, देख सकते हैं 5.5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़, यहाँ देखिए भाई 2 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, भाई इतना ज़्यादा व्यूज जाता है कि इनका अर्निंग अगर आप लोग देखेंगे ना भाई शॉर्ट लग जाएगा आप लोग, यही समझ लीजिए। यहाँ पे मैं इनके चैनल का सबसे पहले कॉपी जो लिंक होता है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे शेयर पे गया और उनके चैनल का यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिंक मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब अपने मोबाइल के अंदर मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले होम पे ही आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पे सोशल ब्लेड में सर्च करूँगा और इनके भाई लाइव अर्निंग दिखाने जा रहा हूँ, कितना 1 महीने में अर्न करते हैं। यहाँ पे सोशल ब्लेड पे गया, जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सर्च वाले पे, इनके जो लिंक अभी किया था कॉपी यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब देखिए भाई इनके शॉर्ट चैनल है भाई, लॉन्ग वीडियो का चैनल है, लेकिन अभी अर्निंग देखिएगा, यहाँ देखिए भाई, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग है। यहाँ पे देख सकते हैं 2.6.4, मतलब भाई $26,000 से लेके $4,22,000, मतलब आप लोग सोच सकते हैं भाई $26,000 के बाद इनका इनकम होता है। यहाँ पे लाइव देख सकते हैं एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग, मैं खुद अभी देखा नहीं था, आप लोग के सामने मैं भी देख रहा हूँ, मतलब इसके कहने का मतलब ये 1 महीने के अंदर भाई $26,000 से ज़्यादा अर्न करते हैं भाई, 125 वीडियो में इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं भाई। आप लोग कहाँ थे अब तक भाई, इस तरह का चैनल बनाइए, ऐसा नहीं है लॉन्ग वीडियो आप लोग क्रिएट करेंगे तभी आपके अर्न होगा, पैसा अच्छा खासा मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। शॉर्ट वीडियो से भी भाई बहुत से लोग अच्छा खासा महीने के लाखों रुपये अर्न कर रहे हैं और भाई बहुत तेज़ी से वायरल भी होता है। तो आखिर इस तरह का वीडियो क्रिएट आप लोग को रिएक्शन वाला करना कैसे है, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा भाई, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरह का वीडियो से आप लोग को रिएक्शन बनाना है कि आप लोग का जल्दी से जल्दी 2 से 4 वीडियो में ग्रो हो जाए आपका चैनल। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपने शॉर्ट पे यहाँ पे यूट्यूब पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है शॉर्ट, ठीक है, यहाँ पे सर्च कर देना है सर्च ओ यहाँ पे शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट सिर्फ लिख के आप जब आप लोग सर्च करते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग जो भी शॉर्ट वीडियो भाई ट्रेंडिंग में चला, जैसे 3 महीने में 3.7 करोड़ व्यूज है, इस पे भाई शॉर्ट वीडियो पर रिएक्शन बनाइए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट लिखेंगे 64 लाख। ऐसा मतलब वीडियो चॉइस करिए जो भाई पॉपुलर अभी चल रहा हो, अभी मतलब उसको लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, शेयर लिस्ट में जाइए, जो सबसे ज़्यादा शेयर होता है वीडियो भाई वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करता है वीडियो, इसीलिए भाई कोई भी यूट्यूबर होता है कहता है शेयर करिए, इसीलिए क्योंकि शेयर कर ले बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है। तो जो भाई ट्रेंडिंग वीडियो हो, जो ट्रेंडिंग शॉर्ट हो, उस पर आप लोग रिएक्शन बनाइए और ज़्यादातर भाई कॉमेडी वीडियो पर बनाइए,
ऐसा नहीं है। देखिए या तो एकदम इमोशनल पे बनाइए या तो कॉमेडी पे बनाइए, ऐसा नहीं है कि मीडियम में भाई कोई बोर हो जाए। देखिए इमोशनल में भी लोग ध्यान से देखते हैं और कॉमेडी को भी ध्यान से देखते हैं। तो मैं आप लोग को कुछ एक चैनल पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक चैनल में बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे हर्षा साई नाम से एक चैनल है। यहाँ पे इनका एक शॉर्ट चला देता हूँ दोस्तों। इनके चैनल पे अगर आप लोग जाएंगे, यहाँ पे हर्षा साई नाम से एक चैनल है, हर्षा साई फॉर यू हिंदी, इस पे अगर आप लोग जाएंगे ना तो इनका जो व्यूज है ना भाई बहुत ही ज़्यादा व्यूज जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 8,17,63,00,000, 1 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 41 लाख, 2 करोड़, 2 करोड़, यहाँ पे मतलब भाई करोड़ों में व्यूज जाता है। और इनके वीडियो पे अगर आप लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो आप लोग का बहुत ही तेज़ी से वायरल होगा, क्योंकि इनका जो रिएक्शन वीडियो, इनका जो शॉर्ट वीडियो होता है ना, आप लोग को लाइव ही दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं इनके शॉर्ट वीडियो पे ये भाई दूसरों की मदद करते हैं। यहाँ देखिए दूसरों की मदद करते हैं, आप लोग किस तरह से वॉइस ओवर करना है, किस तरह से एडिटिंग करना है, किस तरह से इसको क्रिएट करना है, फुल डिटेल मैं वीडियो को बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसको क्रिएट कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों इनके चैनल पर आप लोग चले जाइएगा, इनका कोई भी एक वीडियो ले, क्योंकि इनका शॉर्ट वीडियो सभी हिट होता है भाई। ऐसा नहीं है कि कोई भी वीडियो हिट ना हो, इनका सभी का सभी वीडियो हिट होता है, क्योंकि ये दूसरों की मदद करते हैं। तो इनके चैनल पे जाइएगा, एक दो वीडियो आप लोग को डाउनलोड कर लेना, मतलब वीडियो आप लोग को इनका शॉर्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को करना क्या, देखिए दोस्तों मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, उनका शॉर्ट वीडियो एक बार ध्यान से देख लेंगे कि उसके अंदर क्या वो बोल रहे हैं, किसको मदद कर रहे हैं, किसके पैसा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं पूरा, मतलब 30 सेकंड का वीडियो यार कितना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो आप लोग को ध्यान से देख लेना है, देखने के बाद आप लोग को मोबाइल लेना है, एक मोबाइल ले लेना, और लेने के बाद अपने मोबाइल को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड कर लेना, मतलब रोटेट करके रिकॉर्ड करना, और उसमें बोलना है, जैसे कि अभी मैं आगे आप लोग को दिखा दूंगा मैं किस तरह से शूट किया हूं, आप लोग को उसी तरह से शूट करना है। अभी मैं आप लोग को लाइव दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को काइन मास्टर को ओपन करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आइकन दिखाई देगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देने के बाद यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, तो डिस्प्ले पर आप लोग टच करेंगे तो गायब हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को चॉइस करना भाई रेशियो, तो रेशियो आप लोग को चॉइस करना है 9:16 का, जो शॉर्ट वीडियो का रेशियो होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ नीचे देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो को एडिट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि भाई मैं एडिटिंग बताने जा रहा हूँ, और इसीलिए आप लोग को एडिटिंग भाई ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि भाई वीडियो का एडिटिंग भाई मेन होता है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आप लोग को यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, फिर इमेज पे क्लिक करना, और यहाँ पे एक ब्लैक कलर का इमेज ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे बैक जाना है, उसके बाद इसी इमेज पे क्लिक करना है, और इसका जो लेंथ है इस तरह से बढ़ा लेना है, इस तरह से आप लोग को बढ़ा लेना है, कुछ 20-22 सेकंड जितना आपका वीडियो का लेंथ होगा इस तरह से बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेयर वाले क्लिक करना है, फिर मीडिया पे क्लिक करना है, और जो आप लोग भाई शॉर्ट वीडियो डाउनलोड किए उसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं मैंने शॉर्ट वीडियो यहाँ पे डाउनलोड जो किया था ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद नीचे यहाँ पे आना है, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्लिप्ड स्क्रीन लिखा हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद इसको इस तरह से नीचे करना है, और इसको भाई ऊपर करना है इस तरह से, फिर दोबारा इसको एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं वीडियो आपका एडजस्ट हो चुका है भाई। बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं जो शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं ना, इसी तरह से क्रिएट करते हैं, इसीलिए वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बैक जाना है, और अभी जो मैं आप लोग को बताया हूँ कि आप लोग को अपना स्क्रीन रिकॉर्ड, मतलब आप लोग को शूट करना पड़ेगा वीडियो जो रिएक्शन वीडियो के तौर पे होता है, आप लोग को इस तरह से वीडियो को टेढ़ा कर, मतलब अपने मोबाइल को टेढ़ा करके रिकॉर्ड करना है, वो भाई रिकॉर्डिंग मैं कर चुका हूँ, इसीलिए उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली से लेयर वाले पे क्लिक करना है, फिर मीडिया पे जाना है, और यहाँ पे मैं फटाफट उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ देखिए वो वीडियो मेरा ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेरा फालतू का एंड मतलब पार्ट है जो स्टार्टिंग में, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना देख के यहाँ से उसको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से अभी भी नहीं यहाँ से, क्योंकि मेरा माउथ हिलेगा, और जहाँ से हिलेगा भाई वो समझ लीजिए वहीं से मेरा स्टार्ट है। यहाँ देख सकते हैं यहीं पे मैंने रोक दिया। रोकने के बाद कैंची वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, या ट्रिम लेफ्ट कर देना है, इसको इस तरह से प्रेस करके इसको इक्वल कर देना है। अब दोस्तों देखिए आप लोग को करना क्या है, यहाँ पे लाना है, और इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा कर लेना है। भाई जितने भी बड़े क्रिएटर होते हैं ना इसी तरह से एडिट करते हैं, इतना जान लीजिए आप लोग। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब भाई मैं इसको करना क्या है, देखिए आप लोग जो शॉर्ट वीडियो भाई है यहाँ पे डाउनलोड किए थे, सबसे पहले उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद क्लिक करने के बाद नीचे जाना है मिक्सर पे, उसके बाद जो साउंड है इसको कम कर देना, मतलब बिल्कुल म्यूट कर देना। उसके बाद आप लोग को अपने वाले जो आप लोग शूट किए हैं उस पर क्लिक करना है, और नीचे जाना है, फिर दोबारा मिक्सर पे जाना है, इसका साउंड 200 पे कर देना, और इसको इंक्रीज कर देना, मतलब इससे आपका साउंड इंक्रीज हो जाएगा भाई।
थोड़ा तेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार प्ले करके आप लोग को सुना देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, प्ले करके यहाँ पे सुना देता हूँ भाई। एडिट पूरा हो चुका है, 2 मिनट में एडिटिंग हो गया भाई, इतना आसान एडिट करना। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वीडियो पूरा रेडी हो चुका है। अब आप लोग को करना है कि अपने शॉर्ट वीडियो जो आप लोग डाउनलोड किए हैं उस पर क्लिक करना है और एंडिंग पार्ट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोग इमेज डाउनलोड इमेज ऐड किए थे वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका जो वीडियो वो भी बढ़ा हुआ है। तो सिंपली से आप लोगों को क्या करना है, इमेज वाले पे क्लिक करना है, कैंची पे जाना, ट्रिम राइट कर देना है। उसके बाद फिर दोबारा इस पर क्लिक करना है, इसको कैंची पे जाना, ट्रिम राइट कर देना है। देख सकते हैं तीनों इक्वल हो चुका है भाई, यहाँ पे आपका वीडियो ये रेडी हो चुका है, महज 2 मिनट के अंदर ये क्रिएट हो चुका है। आप लोग सोचते होंगे भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। दोस्तों मेरे पे कमेंट आते हैं, मतलब जितना वीडियो उस पे कमेंट ज़्यादातर यही आता है कि सर आप कहते हैं महीने कितने कमा रहे हैं, उतने कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा रहे? दोस्तों अगर हर एक टीचर DM बनना स्टार्ट कर दे, कलेक्टर बनना स्टार्ट कर दे, तो भाई बनाएगा कौन, ये बात होता है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि एक टीचर होता है भाई, वो कलेक्टर नहीं बन सकता है, लेकिन दूसरों को बना सकता है। सेम वही पोजीशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं आप लोग को समझा सकता हूँ एडिटिंग कैसे करना है, आप लोग को भाई महीने के कमाने के लिए तरीका बता सकता हूँ, लेकिन ये कहिए कि मैं ही अगर वो काम करने लगूँ भाई कितना करूँगा मैं, तरह तरह का मैं चीज़ कॉन्टेंट लेकर आता रहता हूँ भाई, मैं कितना चैनल खोलूँगा। इसीलिए भाई मेरे से बहुत लोग जुड़े हैं, अभी भी बहुत लोग जुड़े हैं, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अभी 600 मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कम है, अभी स्टार्टिंग किया हूँ स्टार्ट में, तो ऐसा नहीं है, 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे सोनू पासवान शॉर्ट एक सर्च करिएगा, वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा भाई 74,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, लेकिन मेरी एक गलती की वजह से भाई वो चैनल डेड हो चुका है। आप लोग सर्च करिएगा, और एक टेक मस्ती सर्च करिएगा, वो भी मेरा ही चैनल है भाई, उस पर 21,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन भाई वो भी मेरा चैनल डेड हो चुका है मेरी एक गलती की वजह से। और मेरी गलती क्या थी भाई, मैंने उस पर वीडियो बनाना कम मतलब बंद कर दिया था, करीब 2-3 महीने तक मेरा एग्जाम था, इसी की वजह से मुझे उस चैनल से हाथ धोना पड़ा, और भाई फिर दोबारा मुझे मेहनत करना पड़ा। 2 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी स्टार्टिंग में ही आया हूँ, अभी 1-2 महीना 4 महीना हुआ मुझे चैनल स्टार्ट किया, ऐसा नहीं है, 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और भाई मोबाइलों के बारे में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, इतना मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अब आप लोग कुछ भी सोचिए, लेकिन मैं मोबाइलों के लिए एक्सपर्ट हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है, मेरी बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को एयर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे एरो का ऊपर कार्नर पे, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को रेजुलेशन जो रखना भाई 1080 पिक्सल पे रखना है, और यहाँ पे फ्रेम रेट को अपने 50 या 60 पे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं तो इतना कहूँगा कि आपका शॉर्ट वीडियो तो भाई 50 पे फ्रेम रेट पे रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस, तो भाई ब्राइटनेस 10 के ऊपर मत जाइएगा और 8 के अंदर रहिएगा, मतलब 8 के नीचे नहीं आइएगा, 8 और 10 के अंदर में आप लोग रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एज वीडियो का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना, ये आपका वीडियो सेव होने लगा है भाई, आप लोग अब अपलोड कर सकते हैं, ये आपका शॉर्ट वीडियो रेडी हो चुका है। आप लोग के 100% कोई क्लेम नहीं दे सकता है, जिसका वीडियो है ना वो भी भाई क्लेम नहीं दे सकता है, क्योंकि आप लोग रिएक्शन अपना वॉइस ओवर अपना फेस वैल्यू दोनों क्रिएट किए हैं उस पर, ये कंटेंट आपका 100% हो चुका है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय।